इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा जिले से, जहां सिरमौर जनपद पंचायत के सीईओ के ऊपर प्राणघातक हमला करने वाले दो आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वालों में पूर्व बनकुइया मंडल अध्यक्ष मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू और विनय शुक्ला है। दोनों आरोपी विश्वविद्यालय थाना पहुँच कर निरीक्षक विद्या बारिक तिवारी के सामने सरेंडर किया है, जिन्हें सिमरिया पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी विश्वविद्यालय थाना पहुँच कर निरीक्षक विद्या बारिक तिवारी के सामने ही क्यों सरेंडर किया, जबकि आरोपियों के थाना क्षेत्र चौराहा है। यह भी चर्चा है कि घटना के दूसरे दिन विवेक गौतम, जो मुख्य आरोपी है, उसके मामले की जांच करने भी निरीक्षक विद्या बारिक तिवारी रीवा से सिमरिया अपने निजी वाहन से पहुंचे थे। खैर, मामला चाहे जो भी हो, लेकिन विधायक सिमरिया और निरीक्षक विद्या बारिक की नजदीकियां फिर सामने आई हैं। फिलहाल दो आरोपियों ने सरेंडर किया है, जिनसे अब सिमरिया पुलिस पूछताछ करेगी।